अच्छे आई मेकअप के बगैर आपका लुक कंप्लीट नहीं होगा। आई मेकअप की बात करें तो सबसे पहले बात काजल लगाने की आती है। जी हाँ, काजल लगाना भी मानो एक आर्ट है जो सबके बस की बात नहीं। ज्यादातर महिलाएं काजल को साधारण तरीके से लगाना पसंद करती हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिससे आपकी आंखों की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहली बात, काजल लगाने से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपना चेहरा टोनर से साफ करें। इससे त्वचा पर मौजूद तेल साफ हो जाएगा और काजल बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। पसीने से बचने के लिए चेहरे और आंखों के आसपास बर्फ जरूर लगा लें। अगर आप अपने काजल को लंबे समय तक टिकाना चाहती हैं, तो उसे सेट जरूर कर लें। काजल को फैलने से बचाने के लिए उसे सेट करना बेहद जरूरी है। इसके लिए ब्लैक आई शेडो पाउडर का इस्तेमाल करें। काजल का आप रोजाना यूज करती हैं, तो आंखों के नीचे ट्रांसलूसेंट पाउडर जरूर लगाएं। इससे आपका काजल काफी लंबे समय तक टिका रहेगा। लंबे समय तक काजल टिका रहे, इसके लिए आप अपनी आंखों के बाहरी कोनों पर अच्छी तरह से पाउडर लगा लें। इससे आंखों के बाहरी कोने ड्राई हो जाएंगे। जी हाँ, काजल लगाने के बाद आईलिड पर जरा सा न्यूट्रल कलर का आई शेडो ब्रश से फैला लें। इससे काजल जल्दी सूख जाता है और काफी लंबे समय तक टिका रहता है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी आंखों की खूबसूरती बरकरार रहे, तो लंबे समय तक टिके रहने वाले काजल को जरूर लगाएं। इससे आपका जो आई मेकअप है वो निखर कर जरूर आएगा। काजल हमेशा अच्छी कंपनी का ही लगाएं। काजल लगाने के बाद वॉटर लाइन के बाहर हल्का सा आई शेडो लगाएं। आई शेडो ब्रश से इसे हल्का सा मर्ज कर लें। इससे काजल फैलेगा नहीं और आपकी आंखों की खूबसूरती जरूर दिखेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।